लुधियाना के महमूदपुरा के रहने वाले एक दंपति द्वारा लुधियाना के माननीय पुलिस कमिश्नर को शिकायत देते हुए कहा गया कि पिछले दिनों घर पहुंच 25-30 हथियारबंद लोगों द्वारा हमला किया गया। जानकारी देते हुए दंपति द्वारा बताया गया कि हमलावरों से उनकी पुरानी कोई रंजिश चलती आ रही है। उनकी लड़की से छेड़छाड़ की जाती थी, जिसके संबंध में पुलिस से कंप्लेंट की गई थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट में केस लगाया गया था, जिसकी कार्रवाई अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग चली आ रही है। कोर्ट में केस होने के बावजूद भी घर पर हमला कर तोड़फोड़ की गई और माननीय पुलिस कमिश्नर को आज शिकायत देते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। वासियां ते सर साड़ी पुलिस कंप्लेंट पहला भी दी हुई बथेरिया इतने ते साड़ी कोई कार्रवाई नहीं करते। हुण उपरों दी 25 तरीक नूं फिर इन्हां ने हमला करता, जिन्हां दे नाल साड़ी चलती पई सीगी, लड़ाई झगड़ा चल रहा से, उन्होंने फिर हमला करता तो सानू जानों मारन दे धमके ते साडे गेट गूट भी तोड़ते हैं। CCTV फुटेज भी नाल असी लगाई है ते बंदी कार्रवाई की जाए जी। CP ऑफिस आए हो? हाँ जी, आश्वासन मिले हो? हाँ जी। CPG ने की किया? CP नहीं सर, असी रीडर साहब नू मिले जिथे कंप्लेट दी, उन्होंने कहा भी तुसी ACP ऑफिस जाओ ते उत्थे तुहानू आपस च दोनों पक्षों नू बिठा के ते तुहाडी करवाई जाएगी। 1.5 साल से हाई कोर्ट में केस लगाया होया है। हाई कोर्ट में केस लगाने तो बाद मेरी कुड़ी नाल छेड़छाड़ करते सीगे, तो साड़ी इत्थे पुलिस कार्रवाई इन्होंने सुनवाई की नहीं, असी हाई कोर्ट केस लगा दिता। दोषियों ने साडे कोल 25 तरीक नूं फिर साडे घर हमला किया 50-60 बंदियां नाल। साडे दरवाजे दरवुजे तोड़े, पुलिस के बीच में, पुलिस की कार्रवाई के बीच में इन्होंने साडे दरवाजे तोड़े है और सानू जान तो मारन दी धमकियां दित्ती। इन्हां कोल सारा असला सीगा, राइफलां सीगियां, देसी कट्टे सीगे। इन्होंने सानू मारन की धमकी से कहते जिथे भी देखा तो गोली मार देंगे।